मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मौत, आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने सरवतथुरा कस्बे में लगाया जाम। बड़े भाई की स्थिति नाजुक होने पर जयपुर किया रेफर, शुक्रवार को दो पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष। धौलपुर सरमथुरा कस्बे में बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे दो भाइयों के साथ पड़ोसी गांव मच मल्लपुरा में एक समुदाय के लोगों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। दोनों भाइयों ने अपने परिवारजनों को फोन कर मौके पर बुला लिया, लेकिन आरोपी युवकों की तादाद अधिक होने के कारण आरोपियों ने पिता समेत दो पुत्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में अंकुश एवं बड़ा भाई रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। अंकुश की स्थिति ज़्यादा बिगड़ने पर परिजन ग्वालियर उपचार कराने ले गए, लेकिन उपचार के दौरान शनिवार को अंकुश ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश भड़क गया। शनिवार रात सरमथुरा कस्बे में जाम लगा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई कर आश्वासन देने के बाद मामले को शांत कराया है। मृतक के भाई प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि शुक्रवार शाम को छोटे भाई अंकुश के साथ पाइप नली लेकर सरमथुरा कस्बे से बाइक से गाँव लौट रहे थे। रास्ते में मठ मल्लपुरा में जग्गो उर्फ जगदीश, सीताराम, राम नरेश, लाल सिंह, कृष्णा, आशाराम, भूरी व अवतार के एक राय होकर रोक लिया। उक्त आरोपी दोनों भाइयों के साथ मारपीट करने लगे तो मोबाइल से पिता व बड़े भाई को मौके पर बुला लिया गया, लेकिन आरोपियों की तादाद अधिक होने के कारण पिता समेत दोनों भाइयों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले से अंकुश एवं रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें खून से लथपथ अवस्था में सरमथुरा सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया, लेकिन नाजुक स्थिति होने की वजह से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल दोनों भाइयों को भर्ती कराने के बाद अंकुश की सेहत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने ग्वालियर रेफर कर दिया, जहाँ शनिवार को अंकुश की उपचार के दौरान ग्वालियर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं रतिराम की स्थिति गंभीर होने पर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है। अंकुश की मौत हो जाने से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। सरमथुरा कस्बे में शनिवार रात को जाम लगा दिया गया। जाम लगाने से आवागमन बाधित हो गया। मौके पर स्थानीय सरमथुरा थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर पुलिस ने जाम को खुलवा दिया है। परिजन आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की आज टीम आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। थाना प्रभारी ने कहा, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना से परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। प्रेम सिंह मीणा मृतक का भाई बाइक से कल शाम 6:30 बजे में घर से निकला था सरमथुरा के लिए। मैं मेरा छोटा भाई अंकुश नली लेने के लिए आए थे हम सरमथुरा, जो पाइप होता है ना मतलब नल लगाने, ठीक है। उसके बाद इधर से हम 7 बज के लगभग 15-20 मिनट के आसपास मल्लपुरा बस स्टैंड पर पहुंचे, मठ मल्लपुरा। वहां पर 3 सदस्य थे पहले, एक बीच सड़क में खड़ा था और तो दोनों साइडों पर खड़े। मैंने बोला भैया बीच में से तो हट जाओ कम से कम यार, क्योंकि वो लोग बजरी के माफिया थे, बजरी की ट्रैक्टरों की माफिया गिरी करते हैं। वो इधर से ट्रैक्टर कोई भी बाइक या कोई भी साधन जाता है उनको रुकवाते हैं, कहीं ये खाने के तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा भाई कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम रास्ते में खड़े यार साइड में तो हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि चला जा नहीं, साले को मार देंगे यहीं का यहीं, चपेट देंगे, मतलब वो अपनी उनकी भाषा में बोला, ठीक है। मैंने कहा, मैंने बाइक रोक के कहा, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि मैं दूर का हूँ कहीं का। मैंने कहा मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ यार, ऐसे कैसे मार दोगे आप, कि जा रहा है कि मतलब माँ बहन की गाली दे के उन्होंने कहा जा रहा है या फिर तुझे यही सड़क पे मतलब बिछाए, ठीक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा ऐसा है फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तब तक एक लड़का हंसराम नाम का लड़का था वो, और उससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो जग्गो से हुई। जग्गो बोला था सबसे पहले कि चपेट देंगे ये कर देंगे। हंसराम दूर से आकर के मेरे ग्रेवान से पकड़ा, ग्रेवान पकड़ा, ग्रेवान पकड़ते ही मेरे छोटे भाई ने वो ग्रेवान छुड़ाने की कोशिश की तो उसको वो जग्गो ने पकड़ा और दोनों को हमें पकड़ लिया। दोनों ने मारा। उसके बाद मैंने कहा छोटू भैया हम फोन तो कर दें, कम से कम ये पीट रहे नाजाज, कम से कम समझाएंगे तो सही। मैंने भैया मतलब मेरे पिताजी को, बिल्कुल मेरे पिताजी को मैंने कॉल किया, तो मेरे पिताजी मेरा बड़ा भाई घर पे थे, मेरा बड़ा भाई रतिराम वो घर पे थे, तो उन्होंने तुरंत आए। वो आकर के उन्होंने पूछा काय भाई कौन सा लड़ा है, कौन है रे। अब खान दुक्के को वो थोड़ा सा दूर छिप गया लड़का, हमने सोचा यार घर चला गया। मैंने कहा अब चलते हैं,
चार पांच मिनट ऐसे भैया ने कई बार आवाज दी यार आओ तो सही यार मतलब मॉडर्न पैसे क्यों मार रहे हो आप ना जा। उसके बाद नहीं निकला और वो धीरे धीरे करके ग्रुप बनाया उन लोगों ने 20-25 आदमियों को और घेरा डाला वहाँ लट लेकर के लट्ठों से चारों की खूब जितने उन पर लगे हैं उतने लट दिए साहब। और पिताजी की मेरी हालत गंभीर थी, मेरे बड़े भाई की उनसे भी ज़्यादा हालत गंभीर थी और छोटे की उससे भी ज़्यादा। सरमतरा लाए उनको रेफर किया तुरंत धौलपुर, धौलपुर उसको छोटे भाई को झेला नहीं उन्होंने सीधा ग्वालियर रेफर किया, वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होते उसकी डेथ हो गई। बड़े भाई को अभी अभी धौलपुर रेफर जयपुर रेफर किया है धौलपुर से। अब प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से मांग हमारी यही है कि हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए और